हेलो जी एवरीवन, आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और आज का जो हमारा टॉक है काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। एक टॉल डार्क हैंडसम हंक हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं, अरहान खान, जिन्हें हमें काफी प्यार मिला है उन्हें बिग बॉस सीजन 13 में। और ऑब्वियसली इनके प्रोजेक्ट के जरिए, इनके सोशल मीडिया के जरिए आपसे तो ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे खास एक्सक्लूसिव हमारे से बात करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच अरान, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। आप कैसे हैं सबसे पहले बताइए। I'm very well. I'm very good. Thank you. How are you? क्या बात, I'm very good। अरान, जैसे आपको पता है कि सीजन 15 जो है एक बहुत ही क्रूशल स्टेज पे आ गया है, ग्रैंड फिनाले के यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं आपके जो 13 सीजन की अगर हम मेमोरीज की बात करें, बस थोड़ी ही आई थिंक 2 साल पहले आपका सीजन आया था, काफी आपका सीजन हिट रहा है, आपको ढेर सारा प्यार मिला है जनता से। तो अगर आप आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो सीजन 13 ने आपकी जिंदगी में क्या एक स्पेशल प्लेस बना रखी है, और आपकी जिंदगी आफ्टर सीजन 13 कैसे रही है, प्लीज हमें बताइए। देखिए, सीजन 13 तो सीजन 13 ही था। वैसा कोई सीजन अभी तक नहीं आया है और आज तक ना आ पाएगा, क्योंकि उस सीजन में सब कुछ था। एंटरटेनमेंट था, कंट्रोवर्सीज थी और हर तरीके की चीजें थी उस सीजन के अंदर, और लोगों ने काफी इंजॉय किया है, लोगों ने उस सीजन को काफी पसंद किया है। जी लाइफ मेरी जर्नी काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ में रही है, जी बट everything is fine, everything is good. I'm doing very good work. I am doing web series, I am doing films in South, right? So I'm doing very good work. So I'm all thankful to everybody from Big Boss 13. क्या बात है। एंड जैसे आपने कहा कि आपकी जर्नी जो है कहीं अप्स एंड डाउन से रही है, तो अगर हम अप्स की बात करें तो ऐसी कौन सी स्पेशल मेमोरी है जो आज भी आपके दिल में एक स्पेशल जगह बना के रखी है व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग द टाइम इन बिग बॉस का घर? देखिए, बिग बॉस 13 की स्पेशल मेमोरीज तो यही है कि बिग बॉस 13 ने जिंदगी की टूवर्ड्स परसेप्शन चेंज कर दिया। लोगों पे ट्रस्ट बहुत इजीली नहीं करना चाहिए, काफी चीजें बिग बॉस 13 ने सिखा दी है, जी और सब लोगों के साथ अच्छी अच्छी अलग अलग मेमोरीज हैं। सिद्धार्थ के साथ अलग चीजें थी, शहनाज के साथ अलग चीजें थी, तो जी पारस है, माहिरा है, आसिम है, तो वो सबके साथ एक अलग बॉन्डिंग थी, अलग मेमोरीज थी। वो मतलब वो जिंदगी अगर आप फिर से जीना चाहेंगे तो नहीं जी सकते दोबारा। वो मौका अगर आप चाहेंगे कि दोबारा यही सब सीजन 13 के सारे लोग एक साथ फिर से उस घर में आए और फिर से वो चीज रिवाइव हो, सो वो नॉट पॉसिबल। तो जितना भी वक्त इन सब के साथ में गुजरा है, वो हर चीज एक मेमोरी थी, एक गुड मेमोरी थी। क्या बात है। और जैसे हम देखते हैं ना कि अभी तक का बाप ऑफ द बाप सीजन अगर कोई रहा है तो ऑब्वियसली इट हैज बीन 13। और जिसके बारे में आप बात करें कि आप सब एक साथ एक घर में फिर एक बार आना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप जो है जो फैंस है उनके दिल में कहीं ना कहीं है कि शायद एक हाथ आपका कोई रियूनियन हो जाए, आपको देखने का, सबको एक साथ फिर देखने का मजा आ जाए। तो आई एम श्योर आपको भी उस चीज के लिए यू नो ऐसा होगा कि कोई एक आधा रियूनियन तो बनता है, क्योंकि इस सीजन हम देख रहे हैं कि फिनाले में सारे बिग बॉस के विनर्स आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक रियूनियन तो बनता है। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन चक्कर क्या है कि हर कोई इंसान अपने अपने कामों में बिजी है। जी सी, करंटली जी आई एम सिटिंग इन साउथ अफ्रीका, आई एम इन साउथ अफ्रीका राइट नाउ, सो मैं यहाँ पर हूँ, पारस चंडीगढ़ में है, कोई कहाँ पर है, सब अपने अपने अलग अलग कामों में है और सब लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक बिग बॉस 13 एक ऐसा सीजन है जिससे निकले हुए हर एक इंसान ऑलमोस्ट काम कर रहा है। सो अब इन सबको एक साथ Absolutely. इकट्ठा करना, सबकी डेट्स फिर से लेना, सो आई थिंक दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो लेट्स वो तो सी, है इन फ्यूचर अगर हो पाता है तो इंशाल्लाह सब लोग जरूर मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे एक साथ जी वापस से, जो जी बिग बॉस 13 की मेमोरीज हैं उन सबको फिर से दोहराना चाहेंगे, ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट मेरा अगला सवाल यही रहने वाला था कि यार हम लोग रात को बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे रात होगी, आपके यहाँ रात नहीं, आप फिलहाल है कहाँ, क्या कर रहे हो आप, आपका क्या प्रोजेक्ट? अभी तो आपने बताया कि आप साउथ अफ्रीका में हैं, तो वहां पे क्या खास हो रहा है, आपके कोई प्रोजेक्ट के लिए आप वहां है या आप वेकेशन चिल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखिए, साउथ अफ्रीका में लास्ट टाइम भी शूट पे था और इस बार भी मैं कुछ दिनों के लिए शूट पे आया था, लेकिन चक्कर यह है कि साउथ अफ्रीका में हम लोगों का घर भी है। या ये जो आप देख रहे हैं, पूरा मेरा घर है यहाँ पर जी साउथ ओहो अफ्रीका के अंदर, बिकॉज वी हैव गॉट ब्यूटीफुल। इन टू ज्वेलरी बिजनेस ऑल्सो, डायमंड बिजनेस ऑल्सो, यस फैमिली यस बिजनेस यस डायमंड। सो यस यहाँ पर हम लोगों का घर है, ऑफिस हैं, तो
यहाँ भी हमारी जिंदगी काफी गुजरती है, और जब मौका मिलता है, जब थोड़ा सा काम से फ्री होते हैं, अभी कोविड की वजह से काफी शूटिंग जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, राइट, काफी ज्यादा है, तो काफी शूटिंग पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो इस वजह से कुछ टाइम मिला था बीच में, सो आई कम हियर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फार्मिंग भी करते हैं, यहाँ पे गार्डनिंग भी होती है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक घर के अंदर ही मतलब काफी चीजें हैं। जी, आपका लॉन काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, आई एम श्योर वहां पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा होगा, लेकिन आई होप यू गाइस आर सेफ, क्योंकि सबसे पहले ओमिक्रॉन की शुरुआत अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका से हुई थी, आई होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ ओवर देयर, आप अपना ख्याल रखिए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब सिर्फ न्यूज में हम लोग को सुनने को मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा की, लेकिन यहाँ पर जब आके देखा तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेल, अगर हम बात करें इस सीजन को, सीजन 15 जो है, पनपनापन 15, आप इसे फॉलो कर रहे हैं क्या? बिकॉज आपके ट्विटर पे भी हमने देखा है कि आप करण कुंद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो वुल्फ है बिग बॉस के घर के अंदर, तो ऑब्वियसली मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी आप किससे सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर कि आप चाहते हो कि करण कुंद्रा ही ये ट्रॉफी जीते, तो आप जितना सीजन यहाँ पे देख रहे हो, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि करण कुंद्रा इज द डिजर्विंग वन एंड ही शुड विन दिस ट्रॉफी? देखिए, कुंद्रा को जो है वो मैं पहले से जानता हूँ, और कुंद्रा जो है ना एक बेहतरीन इंसान है, मतलब अगर आप देखें जितने भी लोग अभी इस वक्त में अंदर हैं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता इनमें से, लेकिन कुंद्रा जो है वो दिल का बहुत साफ और बहुत ही जबरदस्त इंसान है, इसलिए आई एम सपोर्टिंग करण कुंद्रा, और उसके अलावा मतलब ही इज डिजर्विंग ऑल्सो, ही इज प्लेइंग वेरी गुड, ही हैज प्लेड वेरी गुड आई थिंक, एंड मुझे लगता है कि ट्रॉफी भी अगर आएगी तो या तो करण के हाथ में आएगी या शमिता के हाथ में आएगी। क्या बात है, तो मतलब आपका पहला चॉइस इज करण एंड सेकंड हैज टू बी शमिता। तेजस्वी नहीं, तेजस्वी तो उनकी गर्लफ्रेंड है, लाइक आर यू नॉट सपोर्टिंग तेजा? देखिए ऐसा नहीं है, मतलब मैंने पूरा सीजन फॉलो नहीं किया, जितना भी ऑन एंड ऑफ मुझे देखने को इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो आप लोगों के पेजेस डालते हैं जिन पे छोटी क्लिपिंग्स आ जाती है देखने को मिलता है, तो वो देखने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अगर कोई लगता है तो वो कुंद्रा है, और ऑफ कोर्स शमिता जो है वो शी हैज प्लेड वेरी वेल एंड शी इज वेरी गुड, सो आई थिंक करण और शमिता में से कोई भी जीतता है तो दोनों ही डिजर्विंग है। जी, इन दोनों के साथ तो आई थिंक वो है प्रतीक का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही इज आल्सो वेरी वेरी डिजर्विंग, बिकॉज आई नो करण कुंद्रा, आई नो हिम पर्सनली, तो इसलिए मुझे लगता है कि कुंद्रा है जीतना चाहिए। Absolutely. और जैसे आपने कहा कि आपका obviously बहुत close friend है करण, आप उसे काफी करीब से जानते हो, तो I am sure आपने जैसे कहा कि even आपने season को follow नहीं किया, लेकिन कुछ bits and bits में आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें कई सारी चीजें जो है बोली गई है, वीकेंड के बाहर पे हो या बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें कभी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बुला देते हैं, कभी ओवर पजेसिव बुला देते हैं, ओवर पावरिंग बता देते हैं तेजस्वी के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्या है कहना, लाइक इन रियल लाइफ हाउ एग्जैक्टली इज करण कुंद्रा? क्या वो अपने रिलेशनशिप्स में ऐसे ही ओवर पजेसिव होते हैं जैसे लोग उन्हें फिलहाल टर्म कर रहे हैं, या हाउ इज करण कुंद्रा इन रियल लाइफ जितना आपने उन्हें देखा है? देखिए ओवर पजेसिव का तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक एक रिलेशनशिप में थोड़ी तो पजेसिवनेस होनी चाहिए, अगर एक रिलेशनशिप में पजेसिवनेस नहीं है तो लोगों को, सामने वाले आपके पार्टनर को ही लगेगा कि इंसान प्यार नहीं करता या इंसान साथ में नहीं है, सो आई थिंक मैं इस चीज को ओवर पजेसिवनेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि करण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसको इतना पजेसिव होने की जरूरत भी नहीं है, राइट, एंड आई थिंक अगर इन लव विद तेजस्वी सो अगर वो थोड़ी सी पजेसिवनेस है दिखती है तो इट्स ओके, अब बाहर से लोग आके उनको 2 मिनट का टाइम मिलता है कुछ भी बोलने के लिए, अब उनको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी करना होता है, और हमारे सीजन में भी सेम चीज हुआ करती थी, भले ये लोग सीजन फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ 90% इनमें से लोग सीजन फॉलो भी नहीं करते, अंदर आने के बाद बस जिसको टारगेट करना है खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, तो किसी तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके और बस चले जाते हैं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, वीकेंड के वार पे टांग खींची जाती है, क्योंकि अगर टांग नहीं खींची जाएगी अगर तो इंसान को मतलब अगर चिल्लाया नहीं जाएगा तो इंसान भागेगा कैसे, इंसान कुछ उल्टा कैसे करेगा, वो तो चाहते ही है कि इंसान कुछ उल्टा करे, राइट, टीआरपी क्यों नहीं आई सीजन 13 में, टीआरपी क्यों आई थी, क्योंकि सीजन 13 में सब चीजें ही उल्टी हुई थी, राइट, सीजन 13 में कुछ सीधा नहीं था, सब उल्टा था, इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू रिमेम्बर रिकॉल दैट सीजन ना, तो उस सीजन में हर कुछ चीज उल्टी थी, तो इसलिए वो बिग बॉस की हिस्ट्री का आज तक का सबसे ज्यादा हिट सीजन है, और आज तक लोग उस सीजन को याद रखते हैं।
नहीं तो हमारे सीजन में क्या नहीं होता, ये सीजन कुछ नहीं है जो हमारे सीजन में हुआ था। लड़ाई भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे, गाली गलौज भी हुई थी, हर एक चीज हमारे सीजन में थी, राइट? एब्सोल्युटली। तो बाहर से आके बोलना किसी के लिए भी कुछ भी, करम कुंद्रा, ये ओवर पजेसिव है, ये है वो है, सब बकवास है, सब फालतूगिरी है, सब अपने अपने आप को कि हाँ ठीक है हम बोल के हैं, मतलब वो एक स्टेटमेंट लगती है हमने कुछ बोला, सिर्फ ये वो होता है। राइट। और जैसे आपने कहा कि आपके सीजन में हर एक चीज थी, मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपका सीजन जो हिट था, कहीं ना कहीं जो इमोशंस थे वो बहुत ही ज्यादा थे। प्यार भी बहुत सारा था, गुस्सा भी, राइवलरी भी, कॉम्पिटिटिवनेस भी, सब कुछ इंटू 100 अगर हम सच में देखें तो ऐसा ही रहा है। और इस सीजन कहीं ना कहीं ठंडा भी माना जा रहा है, और इसके चलते वाइल्ड कार्ड्स भेजे गए, अलग अलग टैक्टिक्स, वीआईपी वाला चीज जो आया, सो ऐसी बहुत सारी चीज है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे तो सीजन 15 में ऐसा क्या चीज हुई है जो गलत गए है? यहाँ पे कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे मेकर्स की गलती है, कॉन्टेस्टेंट्स की नहीं, उन बेचारों को खेलने नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये लोग तो कुछ कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं दिखाते, बस ऐसे थोड़ा बहुत करते हैं, आधे टास्क तो उन्होंने रद्द करवाया। तो आपको इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए इस सीजन में पहली चीज तो वाइल्ड कार्ड्स, राइट? जी आप वाइल्ड कार्ड में उन लोगों को भेज रहे हैं जिन लोगों ने खुद के ही सीजन में कुछ नहीं किया था, राइट? खुद के सीजन में अगर बता दें कि जो वाइल्ड कार्ड आए थे उनमें से किसी ने भी कोई भी एक टास्क किया था जो कि प्रॉपर तरीके से किया हो, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आप उसको इंटरनेट पे वूट पे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने खुद के ही सीजन में कुछ नहीं किया तो वो सीजन 15 में क्या करेंगे। फेस बड़ा होने से आप सीजन हिट नहीं करा सकते, मतलब प्रतीक जो है वो बिग बॉस में आने पहले कोई नहीं जानता था, राइट? राइट, राइट। लेकिन उसका काम बोल रहा है वो, जिस तरीके की चीजें कर रहा है, राइट? तो आप अगर बड़े फेस सोच के आप सीजन के अंदर भेज देंगे कि हाँ ये, तो उन लोगों ने खुद के सीजन में कुछ नहीं किया तो वो इस सीजन में क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो सीजन था जो उमर को निकाला गया है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, राइट? अगर इफ अगर आप फिर से जाते 13 के अंदर, उमर का धक्का मुक्की बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, हम लोगों के सीजन में ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हुई थी चीजें, हमारे सीजन में धक्का मुक्की को लेके कोई बाढ़ नहीं गया, राइट? इनफैक्ट इन दिस सीजन आल्सो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप भेजी देखी थी, मुझे किसी ने भेजी थी, आई थिंक प्रतीक फैन और कुंद्रा फैन किसी ने भेजी थी, उस सीजन के अंदर भी स्टार्टिंग में भी धक्का मुक्की हुई थी जो एक्चुअल में धक्का था, राइट? बट उस वक्त पे एक्शन नहीं लिया, और उमर को एंड में आने के बाद में जहां वो डिजर्व करता था, आई थिंक उमर टॉप 5 में डिजर्व करता था, उमर होना चाहिए था, मुझे लगता है टॉप 3 के अंदर अगर कोई होना चाहिए था तो उमर होना चाहिए था, राइट? एब्सोल्युटली। उमर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी उससे कुछ पर्सनल बॉन्डिंग है, क्या है, मैं मेरी उमर से सिर्फ सलाम दुआ है, ज्यादा दोस्ती नहीं है मेरी उमर से, लेकिन आई थिंक उमर डिजर्विंग था, उसको बाहर निकाला गया, तो टीआरपी डाउन। देखिए बहुत सारी गलतियां हुई है, आई थिंक जो वाइल्ड कार्ड आए उसमें राखी के अलावा, राखी जी के अलावा कोई भी एंटरटेन, राइट? राइट, राइट। क्या किया? तो ये कहीं ना कहीं टीआरपी नहीं आने की वजह ये ज्यादा ओवर क्रिएटिवनेस है, ज्यादा क्रिएटिविटी निकालने के चक्कर में वो उल्टा हो गया, राइट? और अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक खबर आई है कि टॉप 6 में फिलहाल जो कंटेस्टेंट्स थे उनमें से एक जो है सेट से खबर आ रही है कि एक निकल चुका है, एंड रश्मि देसाई ने 6 पोजीशन लिया है, शी हैज बीन एग्जिटेड फ्रॉम द गेम। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए उनको टॉप 6 में पहुंचाया मुझसे क्या, देखिए मेरी कोई नो पर्सनल ग्रजेस है, मुझसे क्या, आप किसी से भी पूछ लो टॉप 6 में जाने मतलब क्यों, क्या किया है उन्होंने सीजन में, टॉप 6 में जाने का मतलब क्या है, किस लिए? उन्होंने एक जो टास्क किया था 90 नास के ऊपर, वो पोल टास्क पे खड़ी थी, तो उस टास्क के लिए उन्हें कई ज्यादा प्यार मिला है, कई ज्यादा सपोर्ट मिला है, तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने ये टास्क एक्चुअली अच्छा किया था? आप तो मतलब आप एक सेकंड, मतलब आप एक टास्क कर लो और आप टॉप 5 में चले जाओ, राइट? हमने भी बहुत सारे टास्क किए, राइट? हमारे सीजन में भी काफी लोग थे जिन्होंने बहुत डेंजरस टास्क किए थे, हाथ टूट गए थे लोगों के, पारस की उंगलियां टूट गई थी, राइट? फ्रैक्चर्स हो गए थे लोगों के, नाखूने खून निकलने लग गया था टास्क के अंदर, right. तो हमारे में से कोई टॉप 6 में नहीं है, राइट? एक टास्क पकड़े टॉप 6 में चले जाओ,
राइट right. मतलब ये तो सारे कंटेस्टेंट, कोई भी किसी को भी खड़ा कर दो, कोई भी खड़ा हो जाएगा 19 hours 24 hours टॉप सिक्स में, राइट तो आई थिंक टॉप सिक्स में मुझे लगता है कि डिजर्व जो करता है वही इंसान जाना चाहिए था. और सब जानते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा. जी जी, वैसे आपने उमर के बारे में भी कहा कि आप डेफिनेटली उमर को टॉप थ्री में देखते थे, पब्लिक भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज थी जिस तरीके से उनका एविक्शन हुआ. और कुछ लोग जो है उनका ये भी मानना है कि रश्मि देसाई जो है उसके वजह से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हुए गेम में भी. उम तेजरन यानी उमर, तेजस्वी एंड करण का एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है थ्रू आउट द गेम. लेकिन लोगों ने जो है रश्मि के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि जब से उसने घर के अंदर एंट्री दी है कहीं ना कहीं थोड़ा साइड में हो गए उमर और एक इन्फ्लुएंस होते रहे रश्मि के चलते, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनकी गेम बिगड़ी. और अगर आपने आई एम श्योर शायद आपको पता होगा कि प्रतीक और उमर के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कहीं ना कहीं इट वाज यही पोल टास्क की ही बात थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने गेम इन्फ्लुएंस किया रहेगा उमर का, बिकॉज आपने उनके साथ गेम भी खेला है, सेम सीजन शेयर किया है, आप उन्हें काफी अच्छे से इन द पास्ट जानते भी थे, तो क्या वो इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करने के कर सकती है? क्योंकि ये लोगों ने हमसे कहा है कि आपसे ये सवाल जरूर पूछे. देखिए बात ऐसी है कि आप सीजन 13 उठा के देख लीजिए, काफी लोगों के गेम खराब हुए उनके चक्कर में, उन्होंने खुद ने कभी गेम खेला नहीं, उन्होंने दूसरों के गेम खराब किए, ये आप देख सकते हैं. झूठ बोलने की उनकी बहुत पुरानी आदत है, वो हर सीजन में झूठ बोलती हैं, राइट, चिल्लाने से, खाली सिंपैथी कार्ड खेलने से आप टॉप में नहीं चले जाते, आप आगे नहीं चले जाते, लेकिन यहाँ चले जाते, जैसे कि 19 घंटे पोल पकड़ के खड़े हो तो आप टॉप सिक्स में चले जाते हो, राइट. तो इससे एक बात और क्लियर होती है, राइट. इन्फ्लुएंस कर सकती हैं वो मुझे नहीं पता, राइट. लेकिन एक दिमाग से ना इंसान का संतुलन खराब जरूर कर सकती है, इंसान का जो बैलेंस होता है ना वो जरूर हिला देती है, जो हमारे सीजन में भी हुआ था और काफी मर्तबा हुआ था. वो खुद बैं 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 वो चिल्लाती हैं, उनकी एक आदत है, लेकिन वो सामने वाले को है ना बहुत कंट्रोल करने लग जाती है, राइट. सो आई एम श्योर अगर रश्मि जो भी नाम है अगर वो इस सीजन में नहीं आई होती, सो आज उमर जो है वो टॉप थ्री या टॉप सिक्स में, हम टॉप फाइव में खड़े हुए देखते हैं. ओके और उसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिनाली का जो है शूट हो रहा है अभी सेट पे, फिलहाल शहनाज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम फिर एक बार आई है, हमें पता है द पेन शी हैज गॉन थ्रू. तो अभी शहनाज जो है सिद्धार्थ जो सबके दिलों में उनके लिए खास जगह है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट बिग बॉस देने वाले हैं शहनाज गिल के हाथों. तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है शहनाज और सिद्धार्थ के बारे में और इस स्पेशल ट्रिब्यूट के बारे में जिसके लिए शहनाज सेट पे आ गई है बिग बॉस के? देखिए शहनाज जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लड़की है, मतलब अगर वो जब वो हमारे सीजन में थी, सीजन 13 के अंदर, तब शहनाज को देख के मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ये लड़की इतनी स्ट्रांग हो सकती है. उस लड़की ने किस तरीके से अपने आप को संभाला है. कोई भी इंसान, कोई भी अपना आपका पार्टनर जो है जिसके साथ में अगर ये हो जाए तो आपको संभलना मतलब इट्स इम्पॉसिबल, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, काफी लोग नहीं संभल पाते. लोग दो दो तीन तीन साल में बाद तक उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते. बट शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, उसने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला, बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से हर चीज करेगी वो. एंड इंशाल्लाह शी विल गो वेरी फार इन लाइफ, शी विल डू वेरी गुड इन लाइफ, बिकॉज वो एक ऐसी इंसान है जो दिल की एकदम साफ, उसके जो दिल में है वो उसके मुंह पे है. शहनाज का कोई वो किसी के साथ में गेम खेल सकती है, माइंड गेम खेल सकती है. अगर आप सीजन 13 देखें तो उसके ये सब चीजें आती ही नहीं है उसको, जो उसके दिल में है वो उसके मुंह पर है. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टूट गया. अब देखिए ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम नहीं आ सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ये चीज खत्म हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी. और मुझे क्या सबको बहुत ज्यादा दुख है इस चीज का कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. राइट और आपने ये कहा भी था सीजन 13 खत्म होने के बाद, और जैसी सिद्धार्थ
अब तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आपका उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राइवलरी था, और आपने बाहर आने के बाद सिद्धार्थ के आई डेथ के बाद आपने ये बात कही थी कि रश्मि के वजह से आपकी और सिद्धार्थ की है जो दुश्मनी इतनी तगड़ी हो गई घर के अंदर, वरना अगर वो नहीं होता, अगर वो चीज नहीं होती तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ और आप पहले से ही दोस्त बन जाते। और आपका उसके ऊपर क्या कहना है, कितना आप मिस कर रहे हो सिद्धार्थ को, और कौन सी उनके साथ ऐसी एक मेमोरी है जो आपकी लाइफ टाइम स्पेशल एक अलग ही जगह आपके दिल में बना के रखी है? देखिए, टेल मी वन थिंग, अगर आपने सीजन 13 फॉलो किया हो तो मेरी सिद्धार्थ से कुछ पर्सनल राइवलरी नहीं थी, मेरी आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस विद हिम। लेकिन अगर इसको डेट कर रहा हूं तो लाजमी सी बात है कि जो दुश्मनी है ना वो कैरी ऑन होकर आपके पास में आ जाती है, अगर सामने वाला उसका दुश्मन है, राइट? अगर मैं साथ नहीं देता, साथ में खड़ा नहीं होता, तो यही पब्लिक, यही जनता मुझे उल्टा बोलती कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बोला, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खड़ा होना लाजमी, ना चाहते हुए मैं काफी चीजों में खड़ा हुआ। लेकिन मुझे आज रियलाइज होता है, जैसा कि मैंने कहा भी था, कि मैं किसी गलत इंसान के नहीं खड़ा हुआ, मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, राइट? और किसी को लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक गलत इंसान के लिए खड़ा हुआ। और जो भी कुछ था, हमारी मेरी सिद्धार्थ से बात हुई बाद में, निकलने के बाद फोन पे हमारी बातें भी हुई, और जो भी था हमारे बीच में सब सॉर्ट हुआ। तो इंशाल्लाह वो जहां भी है बहुत अच्छी जगह है, और वो अच्छे से रहे, बहुत सुकून से रहे, और बस अल्लाह उसको ठीक से रखे। जी जी, थैंक यू ये बात बताने के लिए। साथ ही साथ ऐसे भी कहा जा रहा है कि सीजन 13 जैसे सिद्धार्थ क्लियरली दिख रहा था कि वो एक फियर्स वॉरियर है। ऑब्वियसली आप सब भी बहुत ही अच्छा खेले, यू हैव प्लेड अ ग्रेट गेम, बट लोगों के दिलों में जो सिद्धार्थ की जगह थी, जो इमेज थी, एक अलग ही बन गई थी। और कहीं ना कहीं सीजन 13 को सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन माना जाता है, और सीजन 15 को ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये तेज रन का सीजन है, यानी कि तेजस्वी और करण का। तो इसके ऊपर आपका क्या है कहना? देखिए, कोई किसी का सीजन नहीं होता, मतलब इनफैक्ट हमारा भी जो सीजन था उसमें एक इंसान से या दो इंसान से कभी भी शो नहीं चलता है। शो वैसा नहीं, वैसा नहीं, मतलब हाईलाइट जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए आप, ये सब कहना बेवकूफी है, ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसका सीजन है किसका सीजन नहीं है। अगर आप सिद्धार्थ का सीजन बोलेंगे तो आप शहनाज का सीजन भी बोलेंगे, राइट? क्योंकि शहनाज का हर एक इंसान हर एक का अपना अपना इनपुट होता है। बट अगेन, ये मेरा, इसलिए मैंने कहा कि आप सबने बहुत अच्छा खेला, इट वाज अ ग्रेट, ऑब्वियसली इस सीजन के बारे में कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता। इस सीजन का आज तक जो बार सेट हुआ है, कोई और ये बार सेट नहीं कर पाएगा, फिलहाल लगती नहीं रहा। बट मुझे लगता है कि अब मेरी नमाज का भी वक्त है, और इंशाल्लाह हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सो अब कुछ अगले इंटरव्यू देखते हैं, जब भी होगा। एंड थैंक यू सो मच, यस यस, थैंक यू सो मच अरान, आपने आपका समय हमें दिया यहाँ पे फीफा फूस पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अरान, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, एंड विश यू ऑल द लक एंड वेटिंग टू टॉक टू यू वेरी वेरी सून अगेन, बाय बाय। वेल गाइस, ये थे अरान खान, इनसे हमने ढेर सारी बातें की है, और आपको क्या है कहना, आप इस चीज के बारे में, इनके, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, भले वो रश्मि देसाई के बारे में हो, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, एंड उनका मानना भी है कि ये सीजन जो है डेफिनेटली करण कुंद्रा जीत सकता है, करण कुंद्रा नहीं तो उनका जो सेकेंड प्रायोरिटी है जो जीतनी चाहिए, दैट इज शमिता। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट, नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कौन आखिर उठाने वाला है बिग बॉस 15 की ट्रॉफी। आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।